नमस्कार दर्शकों, आज किसानों के दिल्ली कूच की पूरी रिपोर्ट आपको ताजा तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। अंबाला से संवाददाता लोकेश मेहता बता रहे हैं, अंबाला पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर अंबाला पुलिस का सख्त पहरा आज देखने को मिल रहा है। हालांकि वाहनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसे देखते हुए पुलिस की बॉर्डर पर तैनाती की गई है। वहीं शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के चल रहे धरने पर किसानों का पहुंचना अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते शंभू बॉर्डर पर वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। आपको रोकने का किस तरह से जा पाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से पुलिस के पास जितना जोर था उन्होंने लगा लिया, इन्होंने कर्फ्यू लगा लिया और जगह जगह पे नाके लगा दिए। इन्होंने कई तरह की फोर्स बनाई हुई है, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बहुत से लोगों को। उसके बावजूद भी अगर किसान सड़क पे है तो मेरे ख्याल से सरकार को समझ जाना चाहिए। और अगर अपनी सरकार है तो ये बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है। बढ़ गया और इस देश को गुलामी से बचाना जरूरी है, क्योंकि देश का जो एग्रो बिजनेस है वो माल घरौंडा रुकेंगे। लेकिन हमें ये डायरेक्शन है और हमारा ये यहाँ पे तैयारी है कि हमने उनको यहाँ से कुछ नहीं करने देना। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रॉपर इंतजाम है, हमने बैरिकेडिंग की हुई है। अगर वो पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं और अगर हम उनको मनाने की कोशिश करते हैं, मानते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ वो अगर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे या उपद्रव करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास दंगा निरोधी उपकरण भी हैं। वहीं कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता कुलतार सिंह बने हुए, वो बता रहे हैं कुरुक्षेत्र में भी पुलिस चौकन्नी है। सोनीपत की बात करें तो यहां मौजूद संवाददाता देश त्यागी का कहना है कि सोनीपत के डीसी श्याम लाल पुनिया व एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने पानीपत के हल्दाना बॉर्डर से लेकर सोनीपत के कुंडली बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का दौरा करते हुए पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और ट्रैफिक डायवर्जन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के सुचारू संचालन और किसानों को ठहराए जाने को लेकर विस्तार से पड़ताल की। और राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर भारत की लाइफलाइन है, जिसे अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, जो जिला प्रशासन और पुलिस का हमेशा ये प्रयास रहता है कि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, तो 26 तारीख को जो दिल्ली चलो का जो कॉल है किसान संगठनों का, उसी के मद्देनजर उनसे बातचीत भी हमारी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। तो वो एडामेंट है अपनी बात पे, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की आमजन को असुविधा हो। तो आज हम और एसपी साहब जो भी नाकाज देखने के लिए और जहाँ से डाइवर्जन किया जा सके और जो आमजन को उसका नोटिस भी प्रॉपरली दिया जा सके, ताकि आपको ज्ञात है कि कुछ संगठनों द्वारा 26 तारीख को दिल्ली घेराओ दिल्ली चलो की कॉल दी गई है, उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हमने पूरे अपने जिला सोनीपत की बॉर्डर्स, चाहे इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं, उनको सील किया गया और हमारे पास प्रशासन के पास किसी भी द्वारा संगठन द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई। और अब ले चलते हैं आपको जींद की तरफ, जहां हमारे संवाददाता भव्य सैनी किसानों के प्रदर्शन की हमें सीधा रिपोर्ट दे रहे हैं, बताया रहे हैं हरियाणा के जींद में धारा 144 लागू हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है हमारे पास हर तरह की फोर्स है, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स, हरियाणा पुलिस और अन्य फोर्स मौजूद है। पुलिस के किस प्रकार के अरेंजमेंट्स हैं? पुलिस के पूरे बंदोबस्त हैं, हर तरह से तैयारी है और ज़िले में धारा 144 लगाई हुई है डीसी साहब ने, और हमने अपने यहाँ पूरी बैरिगेटिंग वगैरह है हरियाणा में, इनको एंट्री नहीं करने। कोई बाहर से फोर्स भी बुलाई है, रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह? हाँ, सब तरह की फोर्स है हमारे पास, रैपिड एक्शन भी है। और ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।